Today I'm again making a very basic food for kids, especially for the kids. A very simple pasta. Even kids can make it and you can make it. I have these two cheese slices I'm gonna use for the white sauce. Then I'm gonna use atta and no maida at all. So it is very healthy and homemade. Everything is homemade. So take a pan or kadhai or top or whatever you want. Ye le liya, iske andar pani dala. उसके बाद में इसके अंदर एक चम्मच आप तेल डाल दीजिए और एक चम्मच आप नमक डाल दीजिए और फिर आप इसके अंदर ये आई एम यूजिंग दिस पास्ता सो आप इसके अंदर ये पास्ता ओके सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग आवर वाइट पास्ता वाइट चीज सॉस टेक सम बटर लिटिल बिट ऑफ आटा सी हमारा आटा रोस्ट होके रेडी हो गया है एंड एडिंग वाटर इन इट नाउ आटा रोस्ट हो गया है एड मिल्क नाउ सी द कंसिस्टेंसी एंड देन यू कैन ऐड मोर मिल्क कीप चेकिंग इट कि ये हुआ है कि नहीं हुआ है ये अभी तक नहीं हुआ है इसको फिर से बंद कर दीजिए ये हमारा चीज़ यहाँ पे बन के रेडी हो रहा है ओपन दिस चीज स्लाइस एंड पुट इट इनसाइड सॉल्ट टू टेस्ट ज़्यादा नमक नहीं डालिएगा क्योंकि ऑलरेडी चीज़ में नमक होता है तो नमक थोड़ा ही डालना और ये हमारा चीज सॉस बनके रेडी हो गया सी दिस इज गोइंग टू बी द कंसिस्टेंसी अगर आपको उसको और पतला करना है तो आप थोड़ा सा और मिल्क ऐड कर सकते हैं सो हियर इज़ आवर पास्ता रेडी वाइट चीज़ की पास्ता चीज़ की तो प्रॉपर कंसिस्टेंसी हो गई है इसकी इसके अंदर चीज़ डाल दीजिए थोड़ा सा थोड़े से आपके बेक्ड पास्ता डाल दीजिए जो बॉईल करके रखे थे Little salt to taste. बस पास्ता एकदम रेडी हो गया आपके